हेलो दोस्तों, मैं शिवानी हूँ। आप सभी का स्वागत है बालाशिवी एजुकेशन पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं UPSI उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के लिए कि कौन सी बेस्ट बुक होने वाली है कि हम इस बार इजीली 100% पेपर क्वालिफाई कर पाए इन फर्स्ट अटेम्प्ट में। इस वीडियो में हम दो टाइप के स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट टाइप का स्टूडेंट तो वो जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो बेसिक के साथ साथ एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करना चाहते हैं कि उनके लिए कौन सी बेस्ट बुक हो जाएगी। और दूसरे टाइप का स्टूडेंट तो वो जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है और उनको बस एडवांस लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आज के इस वीडियो में हम दो टाइप के स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे, जिससे कि दो टाइप का स्टूडेंट इजीली इस बार UPSI सब इंस्पेक्टर की पोस्ट को इजीली क्रैक कर पाए। और साथ ही आपने अगर इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है, जिसमें हमने बात की UPSI के जो न्यूज़पेपर में एक अपडेट आई थी उसके बारे में डिटेल से बात की गई, और साथ ही उसके पोस्ट के रिगार्डिंग जो वैकेंसी डिटेल होती है उसके बारे में बात की गई कि एज लिमिट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, और भी बहुत सारी बात डिटेल से बात की गई है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, लिंक आपको इजीली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम बेस्ट बुक, और इससे नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले कि कैसे प्रिपरेशन करें इस बेस्ट बुक से। तो दोस्तों, उस वीडियो का वेट जरूर करें। तो अगर मैं उस वीडियो को बेस्ट प्रिपरेशन वाले वीडियो को इस वाले वीडियो में डाल देती तो ये वाली वीडियो बहुत लेंथी हो जाती, तो मैंने सोचा कि इससे नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा, तो इससे इजीली आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहने वाली है। तो उस वीडियो का वेट जरूर करें जो इससे नेक्स्ट वीडियो में आने वाली है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर एक डाउट आप सभी का और क्लियर कर दूं। जो भी मैं इस वीडियो में आपको बुक बताने वाली हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रहने वाली है, उन सारे बुक का लिंक आपको इजीली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। आप वहाँ से भी ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं या फिर आप मार्केट से जाकर भी ले सकते हैं अगर आपको इससे कम प्राइस में देखने को मिल जाती है बुक। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि हमें जानना सबसे ज़रूरी है, जो कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न। हमें जानना ये ज़रूरी है कि हमें किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने कितने मार्क्स के आने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ चार सब्जेक्ट के क्वेश्चन आने वाले हैं। पहला है सामान्य हिंदी, 40 क्वेश्चन आने वाले 100 मार्क्स का। दूसरा है लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड सामान्य ज्ञान, इसमें भी 40 क्वेश्चन आने वाले 100 मार्क्स के, और जिसमें कि लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन में 24 क्वेश्चन आने वाले हैं, और इसमें सामान्य ज्ञान से सिर्फ 16 क्वेश्चन आने वाले, टोटल आने वाले 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। ओके, मैथ्स में 40 क्वेश्चन आने वाले 100 मार्क्स के, रीजनिंग में भी 40 क्वेश्चन आने वाले 100 मार्क्स के, टोटल 160 क्वेश्चन आने वाले 400 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन के आपको 2.5 मार्क्स यहाँ पर मिलने वाले, और साथ में आपके टाइम ड्यूरेशन होने वाले 2 आवर्स की, 120 मिनट्स की। तो ये तो अब हमने जान लिया एग्जाम पैटर्न। इस एग्जाम पैटर्न को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे माइंड में छपा होना चाहिए, इसी के कारण तो हम अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को स्टार्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रहने वाली है मैथ्स की। और मैं यहाँ पर एक बात आपको और बता दूँ कि मैथ्स का इस एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा टफ आता है, तो जिसने अगर SSC के एग्ज़ाम दिया होगा ग्रेजुएशन लेवल वाला, तो उसके थोड़ा सा इजी हो जाएगा इस मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो अगर जिसने नहीं दिया तो उसको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रहने वाली है उन टाइप के स्टूडेंट के बच्चों के लिए जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो उनके सबसे जो बेस्ट बुक रहेगी वो यहाँ पर दिख रही होगी आपको, RS अग्रवाल की, ये वाली बेस्ट बुक रहने वाली है क्योंकि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट को ईजिली समझाया गया है। ये आपको हिंदी में दिख रही है और साथ में आपको इंग्लिश में भी यहाँ पर दिख रही होगी। ओके, तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट वालों की होगी। तो अब ये बात करते हैं कि जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है और वो एडवांस लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट बुक होने वाली है वो किरण पब्लिकेशन की होने वाली है, SSC वाली। ये वाली आपको बेस्ट बुक दिख रही होगी, इसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर भी दिए गए हैं वो SSC के। ओके, ये वाली बुक इसमें बेस्ट होने वाली क्योंकि इसमें बेसिक लेवल के क्वेश्चन नहीं दिए गए, इसमें थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये तो बात होगा जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है और वो एडवांस लेवल को क्लियर करना चाहते हैं। तो अब बात करते हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट जिन स्टूडेंट्स का क्लियर है, तो उन्हें वो वाली बेसिक की बुक के साथ साथ, RS अग्रवाल की बुक के साथ साथ, इन्हें किरण पब्लिकेशन की बुक लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि वो दोनों भी बिल्कुल इक्वल हो सके। ओके, और इसके साथ आपको एक बुक और लेनी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर दिए गए हैं आपको UPSI के। तो वो मैं आपको आगे बताती हूँ कि इसमें प्रीवियस ईयर पेपर के लिए कौन सी बेस्ट बुक होने वाली है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई मैथ्स की बुक के लिए कि कौन सी बेस्ट बुक होने वाली है। तो अब बात करते हैं जो कि है हिंदी की, कि हिंदी के लिए कौन सी बेस्ट बुक होने वाली है। तो इस एग्ज़ाम में हिंदी में 40 क्वेश्चन आने वाले हैं 100 मार्क्स के, तो इसमें जो हिंदी के सबसे बेस्ट बुक होने वाली है वो होने वाली है लूसेंट की सामान्य हिंदी, जो कि बेस्ट बुक होने वाली है दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए। इसी के साथ आपको प्रीवियस ईयर पेपर के भी क्वेश्चन सॉल्व करें जो कि हिंदी में
हिंदी के क्वेश्चन होने चाहिए, जो कि मैं आपको आगे बताने वाली हूँ वीडियो में कि कौन सी बेस्ट बुक होने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर के लिए। ओके, और मैं यहाँ पर एक बार और रिपीट कर दूँ कि सारे बुक का लिंक आपको इजीली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से भी ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं रीजनिंग के लिए कि रीजनिंग के लिए कौन सी बेस्ट बुक होने वाली है। तो रीजनिंग के लिए इसमें 40 क्वेश्चन आने वाले हैं 100 मार्क्स के। तो इसमें रीजनिंग के जो सबसे बेस्ट बुक होने वाली है दो टाइप के स्टूडेंट्स के लिए, वो होने वाले अरिहंत की माँ, ये वाली आपको हिंदी वर्जन में दिख रही होगी, और साथ में आपको इंग्लिश वर्जन में आपको यहाँ पर दिख रही होगी हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ रीजनिंग, ये वाली जो बेस्ट बुक होने वाली, ये दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट बुक होने वाले। इसी में साथ में आपको प्रीवियस ईयर पेपर की बुक भी सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाली हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर के लिए कौन सी बेस्ट बुक होने वाली है आपके लिए। तो अब बात करते हैं जो जीके कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ के लिए कौन सी बेस्ट बुक रहने वाली है यूपीएसआई के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं जीके के लिए सामान्य ज्ञान के लिए, इसमें लगभग क्वेश्चन आते हैं 16 क्वेश्चन आते हैं, और संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग इसमें 14 क्वेश्चन आते हैं, और जबकि मूल विधि लॉ में इसमें लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन आते हैं, टोटल आते हैं 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। ओके, तो इसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे बेस्ट बुक कौन सी होने वाली, सामान्य ज्ञान व जनरल नॉलेज के लिए जो सबसे बेस्ट बुक होने वाली है वो बुक होने वाली है लूसेंट की, जो सबसे बेस्ट बुक रहने वाली है। तो अब बात करते हैं जो लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब मूल विधि और संविधान के लिए आपको सिर्फ एक बुक लेनी है, जो कि घटना चक्र की बेस्ट बुक रहने वाली है। इसमें बहुत सारे करंट के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको इसके बाद एक बुक और लेनी है जो कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जो कि उत्तर प्रदेश का तथ्य सार 2020 के लिए बुक निकाली गई है। इसमें आपके उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन, साथ में आपके इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये वाली आपको ये वाली इजीली बुक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बुक रहने वाली है वो है प्रीवियस ईयर पेपर के लिए हम कौन सी बुक परचेस करें। सबसे जो इंपॉर्टेंट सबसे बुक बेस्ट रहने वाली है वो बुक रहने वाली है घटना चक्र की, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे इस वाली बुक में, जो कि यूपीएसआई के लिए स्पेशली डिज़ाइन की गई है। ओके, ये वाली बेस्ट बुक हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आप इन बेस्ट बुक से प्रिपरेशन करते हैं तो इस बार आपका डेफिनेटली 100% सिलेक्शन हो जाएगा, वो भी इजीली, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो आपको इसको परचेस करना है, या तो आप मार्केट से जाके परचेस कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, आपको लिंक इजीली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की बेस्ट बुक। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इन बेस्ट बुक को पढ़ने का तरीका, कि कैसे प्रिपरेशन अपने स्ट्रेटजी में। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा जरूर। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी पूछ लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन और मोटिवेशन से रिलेटेड सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँच सके। और हाँ दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम 7442 है। तो मिलते हैं फिर जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।